बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि पूजा भट्ट और सोहेल खान एक वक्त पर शायद एक साथ शादी कर लेते। जी हाँ, क्या कुछ ही पूरा माजरा है और क्यों पूजा भट्ट ने इस बारे में रिवील किया और किस तरीके से सलमान से रिफ्ट होने की वजह से सोहेल के साथ उनकी शादी नहीं हुई, चलिए इस बारे में आपको डिटेल बताते हैं। आप सभी को बता दें कि महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एक्ट्रेसेस में से एक है। ऐसे में हम सभी जानते हैं कि 90s के दशक की पूजा भट्ट लीडिंग एक्ट्रेसेस में से एक थी। वे रणवीर शौर्य के साथ उनका रोमांस जो था वो बहुत ही वेल नोन था और हर कोई जानता था। बट क्या आप ये जानते हैं कि सोहेल खान के साथ भी वो रिलेशनशिप में थी? जी हाँ, सलमान खान के भाई सोहेल खान जब सीमा खान के साथ उनकी शादी हुई उसके पहले वो बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप में थे पूजा भट्ट के साथ। लेकिन इन दोनों ने काफी वक्त तक इनफैक्ट प्लानिंग भी की थी शादी करने की, बट वो हो नहीं पाई। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है? वेल, आपको बता दें कि 1995 में एक इंटरव्यू के दौरान स्टारडस्ट मैगजीन से बातचीत करते वक्त पूजा भट्ट ने इस बारे में खुलासा किया था। साफ आकर सामने आकर उन्होंने कहा था कि पूजा भट्ट और सलमान खान के बीच रिश्ते जो है, यानी कि दोस्ती जो है, जान पहचान जो है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वेल, इस बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस कहती हैं, आई एम सो कम्फर्टेबल विद हिज फैमिली टू, दे आर रियली नाइस। I feel so welcome there. I'm made to feel that I belong there. I respect them all so much because there are questions asked. Nothing, never, no one asked me anything. They let me be what I am, not what I was. They like me for my one-to-one interaction. They are like my family. Well, इसी के बाद आगे वो कहती हैं, I'm very, very fond of his father. I met Arbaaz only recently and I like him a lot. Baby, यानी कि अलवीरा, is very nice. His mom is so wonderful. They are all very warm. I agree, Salman and I hated each other initially for some weird reason. We just didn't get along. And that was made out to be this great war between us, I guess. It started because I didn't wanted to do the film, love or whatever. But today we get along very well. In fact, we are one big happy family. यानी कि साफ कर दिया है उन्होंने कि भले ही एक वक्त ऐसा था जब मैं और सलमान एक दूसरे को पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन हाँ, आज की डेट में हम सभी एक बिग फैमिली की तरह हैं। भाई, आपको इस बात पर क्या है कहना, बताइएगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में।